थैंक यू वेदांत, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ अरेंज किया। मैंने ये सब हमारे बेबी के लिए किया। पंखु, पंखुड़ी को बोलो ना प्लीज बाद में फोन करेगी, डू नॉट डिस्टर्ब। हेलो पंखु, मैं ना बाहर हूं, तुझे बाद में कॉल करूं। जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि हमारे पास कौन सा हथियार है, हम लड़ेंगे कैसे? ये एक ऐसा हथियार है जो वेदांत और पूर्वा की जुटी हुई कड़ी को तोड़ देगा। उनका बच्चा। बच्चा, ये तेरा खतरनाक प्लान? अगर अपनी घरवाली के लिए गुजरीलाल इस राहुल के बच्चों को अपना सकता है तो उस बच्चे के लिए। एक मिनट, क्या कहा आपने? बच्चा। बच्चा? वो मेरा बच्चा है। हाँ, तो अब क्या आप टीम छोड़ दोगे? अब बच्चा चाहिए तुझे? किसके सगे हैं आप लोग? अपने घर वालों के खिलाफ साजिश, और ये क्या टीम टीम लगा रखी है? मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। टीम में रहोगे या नहीं? कहीं नहीं जा रहा मैं। हाँ ठीक है, जिस बच्चे का मुझे 2 मिनट पहले पता लगा है उसके बारे में तो क्या कहूं, लेकिन हाँ मुझे किसी भी हाल में पूर्वा चाहिए। इसकी ऐसी की तैसी, राहुल को नहीं बताया ठीक, पर तुम दोनों ने मुझसे क्यों छुपाया? संजू, अगर मैं बता भी देती तो प्लान तो नहीं बदलता ना। अच्छा, अब ये बेसिर पैर की बात करना छोड़, तू बच्चे के साथ कुछ करने वाली है तो इस बात को ध्यान में रखना कि गुदरी लाल उसका इलाज कर देगा, और अगर तूने ये रिपोर्ट को छिपाया ना तो वो नाड़ी शास्त्र जानता है। मैंने एक हफ्ते दिन रात बहुत मेहनत की है ये प्लान बनाने के लिए, तो वो प्लान ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप चुटकियों में गेस्ट कर लो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं तेरे ये चमन्नी भर के प्लान में मेरा सारा रुपया बर्बाद हो जाए। इस बात को यहाँ बिठा के रखना ध्यान से। त्रिपाठी संपत्ति या बस थोड़े से लाख बिजनेस करने जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट थोड़ा सोच समझ के मुंह खोला करो ना अंकल। सही तो कह रही है पंखुड़ी पापा, अरे अगर ये नहीं होती तो हम यहाँ तक पहुँचते क्या? तू चुप कर, और तू ध्यान रखना मेरे पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। लहर हूँ मैं, डूबती नहीं डुबाती। वेदांत, मुझे कल के लिए बहुत डर लग रहा है।
उर्वा, प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगने से क्या डरना? आपको भी पता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, बस मन घबरा रहा है जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला। तुम इधर आओ, इधर बैठो। टेंशन मत लो और आने वाले फ्यूचर को ना एंजॉय करो। ये लोग तो चले गए। डॉक्टर वेदांत को जो झूठ बोलना है मैं रिहर्सल कर लेती हूं। डॉक्टर वेदांत, ये जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये सुनकर आपकी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि ये सब कैसे। पल्स रेट थोड़ी सी बदली, इसका मतलब 99.9% तक मैं सही हूँ। 100% थोड़े और रिहर्सल्स के बाद हो जाएगा, और जब तक ये बात डॉक्टर वेदांत से शेयर करूंगी तब तक तो बाकी की कसर भी पूरी हो चुकी होगी। पंखुड़ी मेरे रहते आ जाती ना तो बहुत अच्छा होता। अच्छा तो होता ही, इधर वो इंजेक्शन लगाती और उधर डर के बहाने मैं आपका हाथ जोर से पकड़ लेती, है ना? बहन के सामने रोमांस अच्छी बात नहीं है। बाय बाय। मुझे हर रोज भूलने की आदत हो गई है। और मुझे रोज याद रखने की। पूर्वा, मैं हर चीज के लिए ना तुम पे डिपेंडेंट हो गया हूं। तो हो जाइए डिपेंडेंट, जितना मन करे उतना। बाय बाय। अभी भी कुछ रह गया है? रोज जाने से पहले चेक करते, इसके बिना आपका दिन शुरू नहीं होता है क्या? हो जाता है, लेकिन तुम दोनों को हालचाल जानने के बाद ना दिन खुशी से निकलता है। बाय बाय। तुम दोनों को बाय। हेलो जी। संजू, तुम 15 मिनट लेट हो। तुम्हें कहा था ना जल्दी आ जाना। सॉरी बेबी। अच्छा आप जल्दी बताओ क्या काम था। पंखू, तुमने एक बात नोटिस करी है कि मैं बिना सवाल किए तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ, पर फिर भी तुमने मुझसे राहुल के बच्चे की बात छुपाई। देखो संजू, अभी मुझे तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। हाँ समझ सकता हूँ मैं, दिन रात मेहनत जो कर रही हो। वैसे एक बात बताऊँ पंखू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कामयाब जरूर होगी। और हाँ, पैसों की तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। अगर तुम कामयाब ना भी हुई तो भी तुमसे ही शादी करूंगा। अच्छा, अभी तो कह रहे थे कि विश्वास है मुझ पर। ऑफ कोर्स है ना संजू। सुनो, सामने वेदांत भैया हैं, मैं तो सिर्फ हार का डर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। संजू, जो औरत एक बार हार कर लड़ने के लिए फिर से उठती है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हारी हुई औरत? खैर, मैं ये तुम्हें चिट दे रही हूँ, इसके ऊपर एक एड्रेस मैंने मेंशन किया हुआ है, वहां पर जाकर के एक चीज कलेक्ट करनी है, ले लेना। हाँ। बाय।
सकती। पंखु तू अब आई? वेदांत ना जस्ट दो मिनट पहले ही निकल गए। ओह तो उन्हें फिर से बुला लूं दी, वैसे ब्लड सैंपल्स लेने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं पंखु तू है ना। वैसे पंखु ये काम तो पैथोलॉजिस्ट का होता है ना? हाँ दीप करता तो वही है, पर मैं आपके केस में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, सारी चीजें खुद करना चाहती हूँ। डरना नहीं दीप, ये नॉर्मल रूटीन चेकअप है, ठीक है? वैसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है, तेरे बॉस है ना डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी, वो हर सुबह नाड़ी परीक्षण करके ही घर से निकलते हैं, इसलिए हम श्योर हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ और हेल्दी है। हमारा बच्चा? और दी कुछ दिन पहले आप इसी बच्चे को खत्म। पर अब शायद आप इस बच्चे के बिना जी भी नहीं पाएंगी, है ना? ये भी तो वेदांत की वजह से ही हुआ ना, उन्होंने इस बच्चे को अपनाया और यही बच्चा अब हम दोनों को क्लोज लेकर आ रहा है। हमारे रिश्ते की डोर है हमारा बच्चा। और दीप अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं अपने लाइफ में आगे तो बढ़ गई होती पर शायद इतनी खुश नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा है ना कि आपकी लाइफ में सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है। सच में तुझे ऐसा लगता है? सच में दी इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपकी शादी भी तो अपने आप ही हुई अचानक से, आपको प्यार नहीं था, प्यार भी आपको अपने आप ही हो गया और डॉक्टर वेदांत ने इतना प्यार किया कि खुद को भूल बैठे, खुद से ज्यादा आपको प्यार किया और यूं ही आप अपने आप ही प्रेग्नेंट हो गए और फिर ये बच्चा आपकी जिंदगी बन गया जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, है ना? सच में पंखु भगवान ने ना हमेशा मेरे साथ अच्छा अच्छा ही किया है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सोचने की जरूरत पड़ी कब, आपकी तो किस्मत ही इतनी अच्छी है हमेशा से। आपकी किस्मत का अगर 1% भी मुझे मिल जाता तो मेरी लाइफ सेट होती। बस इतनी सी बात तो ले जा, दे दी मैंने तुझे अपनी किस्मत, तेरा जो मन चाहे, तुझे लाइफ में जो कुछ भी चाहिए तुझे सब मिलेगा। सच में दी सब कुछ? हाँ सब कुछ, वेदांत का प्यार है ना मेरे साथ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे पंखुड़ी बेटा तू कब आई? नमस्ते नानी मौसी। खुश रहो बेटा, हो गया टेस्ट? तो चल फिर चलकर कुछ खा ले। पंखुड़ी बेटा तूने नाश्ता किया? नहीं नानी मौसी, हॉस्पिटल जाके कर लूंगी। अरे 11-11 बजे तक नाश्ता नहीं करेगी तो एसिडिटी नहीं हो जाएगी? नाश्ता करके जाना ठीक है, दोनों बहनें है ही ऐसी, सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं। चलो आओ नाश्ता करो, आओ। आजा। चिंता मत करिए नानी मौसी, सब बदल रहा है। संजू मिला,
मतलब ये बॉटल, मतलब तुम पूर्वा भाभी का ब्लड सैंपल एक्सचेंज करने वाली हो? क्या हुआ बेबी, तुम इतना डर गए? तुम कितने क्यूट लग रहे हो अभी, पता है? पंखुड़ी, वो आदमी तो बोल रहा था कि ये पार्सल एड्स क्लिनिक से आया है। नहीं मतलब यार, मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत इधर उधर लेफ्ट राइट नुकसान पहुंचाएंगे, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? संजू, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, एड्स का नाम सुन के डर गया बेबी? संजू, तो तुम मेरी साइड पे हो ना, तुम्हें श्योरिटी है ना कि मैं ही जीतूंगी? ऑफ कोर्स बेबी। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है संजू? तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, मेरी जगह किसी और को मत देना। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस आप इनका टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए। डॉक्टर साहब, अब भगवान का अवतार लेकर आए हैं, अगर ये बीमारी पकड़ में नहीं आती तो आज मैं अपने बेटे के बच्चे को खो ही देती। देखिए आप ऐसे मत बोलिए, डॉक्टर्स किस लिए होते हैं? अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। शुक्रिया। चल हेलो पूर्वा, मेरे बारे में सोच रही थी? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तो फिर कुछ काम करके मेरे बारे में सोच लो। अच्छा जी, जब आप हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स के पास होते हैं तब मेरे बारे में सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब जब भी मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी का चेकअप करता हूँ तब तब मुझे तुम्हारी याद आती है। पर मुझे नहीं आती आपकी याद व्याद, मजाक है क्या? बिल्कुल भी नहीं आती। वैसे एक वक्त है जब मुझे आपकी याद आती है। कब? जब जब मैं सांसें लेती हूँ ना, तब। क्या बात है वाइफी, आज तो दिल खुश कर दिया है। अब तो जल्दी घर वापस आना ही पड़ेगा, फिर आके बेबी की ना ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ओके? बिल्कुल नहीं, दादी ने कहा है बेबी के आने से पहले कोई शॉपिंग नहीं होगी। तो ठीक है, वो जो ऑनलाइन बुक मंगाई थी ना नेम्स वाली, उसमें से नेम्स डिसाइड कर लेंगे। ओके, पर वेदांत, मेरा बेबी मेरी गोद में कब आएगा? अब वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से घर आता हूँ। ओके बाय बाय।